की गली गुलिया जी एक्साइटेड हैं आप? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मनोज सर इज़ इन माय फिल्म लव सोनिया और मैं आई एम ऑलवेज बीन अ बिग फैन एंड बहुत फेस्टिवल्स भी जा चुके हैं फिल्म, सो आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द फिल्म। ओके, लव सोनिया की आपने बात की है तो एक छोटा सा टीजर है, बहुत ही लोगों का अप्रिशिएट, बहुत ही अप्रिशिएट कर रहे हैं टीजर को, सो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपकी डेब्यू मूवी है बट एज अ डेब्यू एज अ सुपर 30 थी, बट ये फर्स्ट आ गई लव सोनिया। जी जी, द रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। प्लीज डू वॉच इट ऑन 14 सितंबर एंड I'm very nervous, of course. Okay, what do you like to say about the theme, about the child trafficking, the main theme of your movie, Love Sony? See, the main theme of the film is, if you ask me, it's a beautiful story between two sisters. और जो भी ये कोई फिल्म देखेगा, I'm sure they will be, वो फिल्म देखने के बाद उनको अपने बहन की याद ज़रूर आएंगी। सो आई एम वेरी ग्लैड कि दिस इज़ लाइक दो बहनों की स्टोरी आ रही है एंड मेनली हाउ शी गेट्स ट्रैफिक, सो विच यू विल नो, बट यू हैव टू फाइंड आउट कि सोनिया कम्स आउट एज अ विनर और क्या होता है, यू नो आई एम वेरी क्यूरियस कि क्या आप लोग क्यूरियस हो? ओके, क्योंकि हम डेब्यू कर लें और फिर सुपर 30 की बात कर लें, आगे हम किस तरह की फिल्में करते हुए देखेंगे आपको? अलग अलग, वर्सेटाइल, आई वांट टू बी अ वर्सेटाइल एक्टर एंड इंशाल्लाह आई जस्ट कीप माई फिंगर्स क्रॉस की आई गेट डिफरेंट रोल्स। ओके, एक इंटरव्यू में आया था कि यू वर ड्यूरिंग द शूट यू वर नर्वस ब्रेकडाउन ड्यूरिंग दिस सीन और समथिंग इन लव सोनिया। जी, लव सोनिया, हाँ, किस किस को नहीं होता है, हर कोई जो भी एक्टर है, जो भी किरदार वो निभाता है, आई एम श्योर वंस अपॉन अ टाइम लाइक देर इज़ अ सीन वेयर यू नो दे इमोशनली गेट टू ड्रेनड आउट और यू नो दे हैव इमोशनल नर्वस ब्रेक डाउन, सो I had one moment, but uske alawa I had really crazy happy moments with the entire cast and the crew. Okay, do you feel lucky that your both movie have got to work with Manoj sir also and second with Hrithik sir? Do you feel lucky? I'm very lucky. Because your debut and your debut with Hrithik and second movie is with. I'm sure मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा काम किया that I get a chance to, you know, I'm getting a chance to work with amazing actors and I'm really looking forward to watch Manoj sir's. I'm very curious. Okay, हम आपको इससे पहले हम आपको जाने दें, किसका experience like super 30 like Hrithik? Oh, fabulous. Actually, you know, it's a privilege to work with Hrithik Roshan. He's always been a gentleman and a very kind and very humble. Like for a, see, I have no family, no filmy background. So जब मैं एक star को देखती हूँ मुझे लगा oh my god. But when I see him, he's very humble, very down to earth. तो उनको देख के और feel होता कि oh my god, if he's so humble, I need to be even more humble. So that's the thing. Yeah. Dance भी देखने को मिलेगा हमें आपको सुपर थर्टी में dance. Sure. Uh-huh. With Hrithik. That's a surprise. Okay. Thank you. मुझे रहना है यार इंडस्ट्री में, मुझे नहीं दूंगा तो फिर बिजनेस के लिए पाई सर यार सामने सर अभी सेंटर विजुअल्स के लिए ओके सर, तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ऐसी फिल्म सर की एक जगह नहीं, हर जगह से अप्रिशिएट की जा रही है, हर जगह जी ये बात की जवाब क्या जी 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 मतलब फिल्म फेस्टिवल में 23 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा चुकी है और बहुत सारे अवार्ड मिले हैं इसे और मुझे भी कुछ अवार्ड मिले, इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले, जो कि अपने आप में एक बहुत ही कमाल की बात है और बहुत ही गर्व की बात है, न सिर्फ फिल्म के लिए बल्कि इस फिल्म इंडस्ट्री के लिए जहाँ पे इस फिल्म में एक रिप्रेजेंट करती है बाहर जा करके इतने सारे फिल्म फेस्टिवल्स में और अपने लिए सम्मान लेके आती है, इंडस्ट्री के लिए सम्मान लेके आती है, देश के लिए लेके आती है, इस बात को लेकर के हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। ओके सर, ये मूवी के लिए आपने अपने फिजिक पे भी बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, जी तो रिस्की भी था आपने जैसा जी कहा, बहुत ज़्यादा रिस्की। देखिए क्या है कि इस तरह की फिल्में मिलती नहीं हैं जल्दी या लिखी भी नहीं जाती हैं और एक नई फिल्म है, जैसे कि श्री गोविंद निलानी जी ने कल कहा था कि अच्छा हुआ तुमने बुला लिया नहीं तो मैं देख नहीं पाता इतनी कमाल की फिल्म, और बड़ी ब्यूटीफुल है, बड़ी नए तरीके का फिल्म है और नए तरीके का डायरेक्शन, नए तरीके से कहानी, नए तरीके के परफॉर्मेंसेस, तो बहुत सारी चीज़ें जो इस फिल्म में हमने कुछ नया करने की कोशिश की है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है जो लोग, बट हाँ ये फिल्म जल्दी छोड़ती नहीं है, ये फिल्म आपको ये नहीं होगा कि लोग आने के साथ ही आपको कुछ बोलना शुरू कर देंगे, लोग लेते हैं समय, रात कुछ एक मैसेज आए हैं जो रात भर लोग सोए नहीं हैं फिल्म देखने के बाद, तो
तो उस हिसाब से डिस्टर्ब करती है, सोचने पे मजबूर करती है, और हम जानते थे कि ऐसा होगा। और जब ऐसे लोग बात करते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि फिल्म अपना प्रभाव छोड़ रही है। एक सर, जो कि आपने आपका जो एक्सपीरियंस हुआ है शूटिंग के दौरान, एक बंदा पीछे से आया आपको, आप समझ रहे हैं? जी जी, मार के चला गया मेरे पिछवाड़े पे। वो चांदनी चौक में हुआ था और वो उसको निकलने नहीं दे रहे थे क्योंकि हमको गली खाली चाहिए थी। तो खैर वो आया और पीछे से मार के चला गया, सिक्योरिटी वालों ने भगाया उसको किसी तरह से। नहीं खैर, वो सब वो एक हरकत होती रहती है, वो जब इस तरह के इलाके में आप शूट करते हो तो चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, घटनाएं होती रहती हैं। सर, फाइनली 7 सितंबर को ये फिल्म जी रिलीज अब इंडिया में इतने सारे एप्रिसिएशन के बाद, तो जी आपका क्या फील, आप क्या फील? नहीं नहीं, देखिए मैं चाहता हूँ कि लोग अच्छा सिनेमा देखें, अच्छा मैंने सत्यमेव जयते भी किया, कमर्शियल फिल्म जिसको लोगों ने पसंद किया। मैं चाहता हूँ कि इस तरह की फिल्में, इंडिपेंडेंट फिल्में, कॉन्टेंट सिनेमा जाकर के लोग देखें, इस तरह की फिल्मों का बढ़ावा दें, क्योंकि हर तरीके की फिल्मों का इस देश में होना ज़रूरी है। और ख़ास करके उस फिल्म, वो फिल्म जो पूरे विदेश में जा करके देश के लिए, इंडस्ट्री के लिए सम्मान लेके आती है, उस तरह की फिल्म को अगर दर्शकों का प्यार मिले तो और भी अच्छा रहेगा। थैंक यू सर। मुझे मनोज वाजपेयी बहुत पसंद है, शाहाना बहुत पसंद है एज एक्टर्स, एंड मुझे इनका काम देखने में ऑब्वियसली दिलचस्पी है, तो आई एम क्वाइट एक्साइटेड टू सी द वो। काफ़ी सिंपल सी बात है। इस तरह की फिल्में देखने में कितना इंटरेस्ट लेती हैं? किस तरह की फिल्में हैं ये? गली गुलिया टाइप्स की फिल्में, क्योंकि हमने देखा है कि आपने भी इस तरह की फिल्में की हैं और इस तरह की फिल्में करके आप आगे आई हैं। मुझे लगता है कि फिल्मों को क्राइटेरिया में डालना थोड़ा गलत होगा, क्योंकि हर टाइप की फिल्म होती है। एक करण जौहर की टाइप की फिल्म होती है, एक रोहित शेट्टी की टाइप की फिल्म होती हैं, ये थोड़ी अलग टाइप की फिल्में होती हैं क्योंकि ये रियलिटी से बहुत क्लोज होती हैं। और वैसी फिल्में मैंने ज़्यादा की हैं क्योंकि वैसी फिल्में मुझे मिली हैं। सो इन फिल्मों से सीखने को बहुत मिलता है, क्योंकि एक तो आपको एक्टर्स का परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, तो आप दो बात सीख के ही जाएंगे। तो आई थिंक बात वही हो जाती है कि अगर आप कुछ नया देखें, कुछ नया सीखें रोज़, तो यू नो आई जस्ट थिंक लाइक दैट मेक्स एवरीथिंग ऑलराइट। यस। आना मैम, आपका एक ओपिनियन जानना चाहूँगा एज अ एक्टर, डू यू थिंक क्या कमर्शियल मूवी ज़्यादा बननी चाहिए जो कि लोगों तक एक मैसेज पहुँचा सके? क्योंकि एक सिनेमा ऐसा है जो लोगों तक बहुत पहुँचता और छूता है दिल को, डू यू थिंक? क्योंकि आपने भी एक मूवी की थी लिप्सिकंदा में भूखा, उसमें भी बहुत इफेक्ट हुई थी और बहुत ही लोगों को एक अच्छा एक ये भी मैसेज भी मिला था। ऑफकोर्स कमर्शियल फिल्म्स को एक मैसेज डालना चाहिए। मुझे लगता है कि आज के ज़माने में जब आप रोज़ सुबह उठते हैं और आप रोज़ सुबह पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, या आप न्यूज़ देखते हैं कि कहीं बॉम्ब हो गया है, कहीं मतलब बच्चे मर रहे हैं, यू नो काफ़ी चीज़ें हमारे आजू बाजू हो रही हैं, सो ओब्लिवियस रहना आज के ज़माने में बहुत गलत मानती हूँ मैं। मुझे लगता है कि लव स्टोरीज़ वो सब, इसी सिनेमा का काम ये है कि वो आपको एक रियलिटी से निकल कर 3 घंटे जो आप बिताते हैं थिएटर में, वह एक अलग दुनिया देखते हैं। तो अगर आप वही दुनिया देखेंगे जो आप वैसे ही देखते हैं, तो आप
कुछ नया कैसे देखने गए. आई थिंक सिनेमा शुड बी एबल टू टेक यू एंड ट्रांसपोर्ट इन टू पीपल्स हाउसेज, इन टू पीपल्स लाइफ. जैसे कि मैं आपकी लाइफ के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है और अगर आपके बारे में मुझे जानना है तो मैं वो सिनेमा के थ्रू जान सकती हूँ. तो मुझे लगता है कि अगर ऐसी फिल्में बड़े फिल्मों में अगर ऐसे किरदार हों जो जिनसे हम रिलेट कर सकें, जिनको जिनके बारे में मैं कुछ नहीं जानती और उसके बारे में मुझे एक दो चीज़ें सीखने को मिलें, देन आई थिंक यू नो वो बनना बहुत ज़रूरी है. चलिए आपको ब्यूटीफुल अटायर के बारे में जानना चाहेंगे. हम देखते हैं कि आप बहुत ही ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल गेटअप. आपने पिछली बार भी देखा था. हाँ करें आती हैं तो आप थोड़ा सा इसके बारे में जरा बताइए. ये शानी जायसवाल का आउटफिट है और बहुत अच्छी और बहुत ही सुंदर डिज़ाइनर है. मुझे उनका काम बहुत पसंद है क्योंकि बहुत सिंपल होता है और बहुत इफेक्टिव होता है उनका काम. ओके आफ्टर मैम लिप्चे अंडा मैं भूखा सब लोग बहुत ही इंतजार कर रहे थे एक्सीडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर के बारे में. तो आप कितना एक्साइटेड बिकॉज एक बायोपिक के जैसे आपकी देखा जाता है एक रोल उसमें प्ले कर रहे हैं तो कितने एक्साइटेड हैं? देखिए उसकी जो थोड़ी तो आप बताइए कि एक्सपीरियंस कैसा रहा. एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा. करीबन 150 एक्टर्स हैं उस फिल्म में और मुझे ऐसी फिल्मों में काम करने का बहुत शौक है जहाँ पर आप यू नो किसी ऐसे किरदार को निभाएं जो असली में है एक बायोपिक के हिसाब से. और मुझे लगता है बहुत अच्छे एक्टर्स हैं इस फिल्म में, बहुत अच्छी फिल्म बनेगी. एंड ऑब्वियसली मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यू नो मैं किरदार प्ले कर रही हूँ उस फिल्म में. एंड आई थिंक इट विल बी अ रियली गुड फिल्म. ओके मैम जब भी हमने देखा एक बायोपिक टाइप कोई भी मूवी बनती है तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रोवर्सी जरूर. डू यू थिंक ये मूवी में भी हो सकती है? आई डोंट नो. आई वुडन्ट वांट टू नो. आई वुडन्ट वांट अ कॉन्ट्रोवर्सी बिकॉज मुझे एक ऐसी रिलीज चाहिए जहाँ पर कॉन्ट्रोवर्सी ना हो. यू नो आई जस्ट थिंक लाइक एक फिल्म अच्छी तरह से रिलीज़ हो और अच्छी मतलब एक बड़े यू नो बड़े पर्दे पर अपने आप को देखने का एक अच्छा मतलब एक मौका मिलता है हर एक्टर को. एंड वो बिना कॉन्ट्रोवर्सी से गुजरे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर है. मनोज की फिल्म है. मनोज की फिल्में इंटरेस्टिंग होती है हमेशा तो बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग फिल्म देखने की उम्मीद से है. ओके सर मनोज जी का कहना है कि कमर्शियल मूवी ज़्यादा बननी चाहिए क्योंकि वो लोगों तक एक मैसेज पहुंचाती है और मूवी ऐसी चीज़ है जो लोगों तक मतलब दिल तक पूरी पहुंचती है. डू यू थिंक ऐसा और मूवी बननी चाहिए कमर्शियल टाइप मूवी? बिल्कुल बननी चाहिए. हर कमर्शियल मूवी तो बनती है ज़्यादा. हर फिल्म कमर्शियल ही होती है. बिला वजह का एक टैग है कि ये कमर्शियल है और ये कमर्शियल नहीं. हर पिक्चर यही सोच के बनाई जाती है ना कि पैसे कमाएगी तो कमर्शियल पिक्चर है. बट उनके पैसे तो कमाती है बट उनके साथ एक सोशल जो मैसेज देती है. हाँ वो हर फिल्म का अलग अलग नीयत होती है. हर फिल्म का अलग अलग एजेंडा होता है. कुछ फिल्में मैसेज करना चाहती हैं, कुछ फिल्में सिर्फ एंटरटेन करना चाहती हैं. सर आपका मूल बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला लोगों से. उसके बाद अपकमिंग प्रोजेक्ट कुछ शेयर करना चाहें? अभी तो अपकमिंग प्रोजेक्ट गली गुलियां है और कोई प्रोजेक्ट नहीं. हाँ मनोज का प्रोजेक्ट मेरा प्रोजेक्ट. Thank you very much. Yes. Acha usko yaad hai mere ko yaad hai.